रिमशा ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें पता है ना ये मैंने अपनी बहन के लिए ली थी साड़ी रक्षाबंधन के लिए। भाड़ में गई तुम्हारी साड़ी और भाड़ में गई तुम्हारी बहन। तुम्हें हमेशा ये तो याद रहता है कि तुम्हें अपने भाई होने का फर्ज निभाना है, लेकिन ये भूल जाते हो कि मैं भी किसी की बहन हूँ, मेरा भी कोई भाई होगा, मुझे भी तो राखी बांधनी होती है, क्या मेरा मन नहीं होता? लेकिन हमेशा तुम अपनी बहन के पास ले जाते हो मुझे मुंह उठाकर। लेकिन ऐसा अब नहीं होगा, मैं अपने मायके जाऊंगी और तुम भी चलोगे मेरे साथ मेरे भाई को राखी बंधवाने। अरे क्या झगड़ा लगा रखा है सुबह सुबह, त्योहार का दिन है, शर्म आनी चाहिए। पिताजी रिमशा कह रही है इस रक्षाबंधन से अपने मायके जाना है। क्यों बहू, मायके क्यों जाना है? पिताजी इस रक्षाबंधन मैं भी अपने घर जाऊंगी अपने भाई को राखी बांधने, क्या मेरा मन नहीं होता अपने भाई को राखी बांधने का? मैंने कह दिया मैं अपने घर जाऊंगी। बहू जैसे मेरा बेटा जाता है अपनी बहन के यहाँ राखी बंधवाने के लिए, ऐसे तुम्हारा भाई भी आ सकता है राखी बंधवाने के लिए। यह घर में कोहराम मचाना जरूरी है, त्योहार के दिन झगड़ा करना जरूरी है? अरे कितना पवित्र त्योहार है ये, अरे अपने भाई को खबर कर दे वो यहाँ आ जाएगा, उसकी मेहमान नवाजी यहाँ कर लेना। पिताजी आपकी सिर्फ एक बेटी है और हम चार बहने हैं, मेरी तीनों बहने भैया के पास आती है राखी बांधने, अब मेरा भैया उन तीनों बहनों को छोड़कर मेरी ससुराल आएगा मुझसे राखी बंधवाने। बहू वही तो है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। तुम चार बहने हो और तीन बहने तुम्हारे भाई के कलाई पे राखी बांधेगी, उसकी कलाई सुनी तो नहीं रहेगी सोचो, और मेरा बेटा अकेला है और बेटी भी अकेली है, ये नहीं जाएगा तो अधूरा त्योहार रह जाएगा। बहू मान जाओ मान जाओ मान जाओ, इसे जाने दो, रक्षाबंधन मनाने दो, यही गृहस्थ की बातें हैं, इसमें तिरिया चरित्र मत दिखाओ, त्योहार का दिन है त्योहार का, अब सब दिन चंगे त्योहार दिन नंगे हैं, त्योहार पे लड़ते हो, शर्मानी चाहिए, इसे भेजो जाओ बेटा। और तू एक बात तो बता, अगर सिल्की को ये पता चलेगा कि उसकी भाभी उसके साथ में ये सब कर रही है तो उसको कैसा लगेगा? भैया अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं आ गई हूँ। अरे सिल्की तू यहाँ कैसे? हाँ भैया मैं, भैया जैसे भाभी का मन किया आपने घर जाने का, ऐसी मेरा मन किया आपने घर आने का, बस मैं आ गई। और भाभी सॉरी। सॉरी सिल्की तो सॉरी क्यों बोल रही है अपनी भाभी से, तुझे हो क्या गया है? भैया मैंने भाभी से इसलिए सॉरी बोला क्योंकि मैंने भाभी का हक छीना। हक छीना? अरे कैसा हक, कौन सा हक, तूने अपनी भाभी का कौन सा हक छीन लिया? हाँ भैया हर बार ऐसा ही होता है, भाभी अपने घर नहीं जा पाती, और जब मैं हॉस्टल पढ़ती थी आप भाभी को लेकर मुझसे राखी बंधवाने आते थे और भाभी अपने घर नहीं जा पाती थी और अपनी राखी अपनी बहनों को दे देती थी और कहती थी मेरी तरफ से मेरे भाई को राखी बांध देना, किस लिए? सिर्फ हमारे लिए। और भैया इस गलती का एहसास मुझे तब हुआ तब मेरे हस्बैंड ने कहा कि इस बार इस रक्षाबंधन पे मैं अपनी बहन के घर जाऊंगा राखी बांधने और तुम भी मेरे साथ चलोगी, फिर मैंने सोचा इस बार तो मैं अपने भाई की राखी नहीं बांध पाऊंगी, तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि ये गलती तो मैं हर बार अपनी भाभी के साथ करती हूँ, भाभी को कैसा लगता होगा जब भाभी अपने भाई के राखी नहीं बांधती थी। भैया इस बार मेरे हस्बैंड भी अपनी बहन के घर गए हैं राखी बंधवाने और मैं भी अपने घर आ गई और भाभी भी अपने घर जा पाएंगी अपने भैया को राखी बांधने। जाओ भाभी अपना बैग तैयार करो और अपने भाई के घर जाओ राखी बांधने। बहन तो कितनी अच्छी है, तूने अपने भाभी का भी ख्याल रखा और मेरा भी ख्याल रखा, और तू बिल्कुल ठीक कह रही है बहन, और मुझे इस बात का एहसास अब हुआ कि अगर तू ना आती तो मेरे हाथ की कलाई सूनी रह जाती। चलो भैया मैं आपके राखी बांध दे देती हूँ क्योंकि आपको भाभी के साथ भी जाना है ना उनके भाई के राखी बंधवाने। दीदी थैंक यू मेरे बारे में इतना सोचने के लिए। अरे बहू देख लो बेटी ने दिखाया आत्माओं का चरित्र, तुम मान रही थी दुख, अब दोनों घर रहेंगे खुश, और रही बंधन रक्षाबंधन, समाज का बंधन देखो, घर का बंधन देखो, रिश्तेदारी का बंधन देखो, जिसके सब ये बंधन है तो वहां अच्छा ही बनेगा रक्षाबंधन, खुश रहो आबाद रहो, दूधो नाओ फूतो पलो।